ಸಂತಾನನು ಜೀವನ ಹೋ ಖುಷಿಯ ಖುಷಿಯಾ ಹೋ ಜೀವನ ಹೇ ಆರ್ಬಿ ಝೋನ್ ಕಾ ಬಂಧನ್ ಜೀವನ ಭರ್ ಜೋ ನಾ ಛೂಟೆ ಬನಾ ರಹೇ ಯೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೈಸೆ ಅಪ್ನಾ ಕೋಯಿ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಜೈಸೆ ಅಪ್ನಾ ಕೋಯಿ ಆಸ್ ಪಾಸ್ जैसे अपना कोई आस पास जैसे अपना कोई आस पास खुशियां लाए आपके घर आर्मी जोन इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर कादंबनी चिल्ड्रंस एकेडमी सीबीएसई एफिलिएटेड हाईटेक एजुकेशन सेंटर इंदिरा नगर उज्जैन नमस्कार आप देख रहे हैं उज्जैन आज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राठौर आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर पड़ोस में रहने वाले युवक ने धारदार हथियार से नाबालिग युवती की नाक काटी उज्जैन के पवासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग युवती की नाक पड़ोस में ही रहने वाले उसके युवक मित्र ने धारदार हथियार से विवाद होने के पश्चात काट दी घटना के बाद परिजन युवती को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे जहां युवती को वार्ड में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है दरअसल दोनों युवक युवती पड़ोसी ही हैं और आपस में पिछले कई समय से दोनों में दोस्ती थी लेकिन आज दोनों में झगड़ा होने के बाद परिवार भी आमने सामने हो गए और मारपीट के दौरान युवक ने धारदार हथियार से युवती की नाक काट दी दोनों ही पक्ष पवासा थाने पर पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो वहीं युवती को जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है अभी अभी थोड़ी देर पहले थाना पवासा से आरक्षक जो है एक नाबालिग लड़की को लेकर आए हैं जिसको नाक पर चोट आई है हालांकि पूरा वाकया तो रश की वजह से हम लोग सुन नहीं पाए पर नाक पर चोट लगी उसको और चोट थोड़ी सी गहरी थी इसलिए हमने उसको उचित उपचार देने के पश्चात संबंधित वार्ड में ENT वार्ड में एडमिट करवा दिया या तो वो कोई सख्त या बोथरी वस्तु होगी जिसकी वजह से लगी है क्योंकि नाक एक नाजुक अंग है तो इसलिए वहाँ पर बिना कोताही बरते उसको तत्काल हमने वार्ड में एडमिट कर दिया थाना पवासा के अंतर्गत दो परिवारों में विवाद होने का मामला सामने आया है इसमें एक पक्ष लड़के का है दूसरी पक्ष लड़की का है ये दोनों जो लड़का लड़की है वो आपस में कहीं एक दोस्त के रूप में होंगे एक फ्रेंड के रूप में होंगे उन्हीं में कोई विवाद हो गया उस विवाद में आपस में कुछ मारपीट भी हुई है उसमें लड़के को भी चोट आई है और लड़की को भी चोट आई है दोनों पक्ष इस समय थाने पे हैं दोनों अपनी अपनी जो रिपोर्ट है जो शिकायत है थाने पर दर्ज करा रहे हैं पुलिस दोनों मामलों में उसमें दोनों पक्षों को सुनेगी और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई वो करेगी